दोस्तों नमस्कार, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पेटीएम ग्राहक के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि पेटीएम ने टैप टू पे का लॉन्च कर दिया है। अगर आपके पास NFC ATM कार्ड है तो POS मशीन के साथ लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है जैसे ही पास में लेके जाते हैं वीडियो के अनुसार जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पेमेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पेटीएम एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहेगा और जब आप टैप टू पे का यूज करेंगे तो मोबाइल को पास में लेके जाएंगे POS मशीन, यानी कि NFC डिवाइस के किसी भी पेमेंट वाले मशीन पे लेके जाएंगे तो आपका यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं बिना OTP की मदद से, नहीं ATM पिन की मदद से। तो बहुत ही अच्छा ये गुड न्यूज़ है पेटीएम की तरह से। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन को जो है NFC पेमेंट बना सकते हैं, तो बहुत ही शानदार ये ऑप्शन दिया गया है जो कि आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टैप टू मदद से, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है मिथुन कुमार, आप देख रहे हैं MKP गुड टिप्स चैनल। जो टैप टू पे का ऑप्शन मिला है तो बहुत सारे यूज़र को मिल रहा है, बहुत सारे यूज़र को अभी नहीं मिला है क्योंकि धीरे धीरे अपडेट यहाँ पे चालू है। जान लेते हैं कि इसका उपयोग किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको होम पेज पे ही दिखेगा टैप टू पे का। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा टैप टू पे का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर में ही मिल जाएगा टैप टू पे का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना डेबिट कार्ड या जो भी कार्ड है तो वहाँ पे आप इंटर करेंगे। तो आप ध्यान में रखिए, कोई भी आपका कार्ड हो NFC वाला होना चाहिए। NFC मीन्स जैसे कि आप एक वीडियो में इमेज देख रहे हैं, ये अगर आपका इमेज कार्ड में है तो आप समझ लीजिए आपका कार्ड NFC वाला है। तो आपका यहाँ पे उसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे सारा कार्ड डिटेल आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपके एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP देने के बाद इसको आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका एक्टिवेट सक्सेसफुल हो जाता है टैप टू पे, तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी POS मशीन पे, यानी कि जहाँ जहाँ NFC पेमेंट सपोर्टेड है वहाँ आप यहाँ पे NFC के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही फ़ायदा भी है, बहुत ही बड़ा नुकसान भी है। जैसे कि आप मान चलिए आप अपना फ़ोन में NFC पेमेंट ऑप्शन ऑन करके रखे हैं, अगर आपका फ़ोन लॉक खुला है तो यहाँ पे कोई भी आपका पास में लेके जाके फ़ोन पेमेंट कर सकता है। इसके लिए आप सतर्क रहिएगा, जब भी आपका इसका ज़रूरत पड़े तब आप इसे इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सुविधा होता है उतना ज़्यादा खतरनाक भी होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, NFC पेमेंट का यूज तभी आप कर सकते हैं, और इसे कॉन्टैक्ट लेस भी पेमेंट कहा जाता है। NFC पेमेंट का आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका फ़ोन NFC सपोर्टेड है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, NFC सपोर्टेड कैसे जानेंगे कि मेरा NFC सपोर्टेड फ़ोन है या नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से 2 मिनट का ये वीडियो बना के रखा है। अगर चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप सिर्फ 2 मिनट में जान सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, आपका NFC सपोर्टेड है या नहीं है। अगर आपका NFC सपोर्टेड फ़ोन है तो आप इस फीचर का लाभ ले सकेंगे, अगर आपका फ़ोन NFC सपोर्टेड नहीं है तो इस फीचर का लाभ आप नहीं ले सकेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला ही लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हम चेक करें कि मेरा फ़ोन NFC सपोर्टेड है या नहीं है। पेटीएम ने बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है अपने यूज़र के लिए, ताकि यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से NFC पेमेंट कर सकते हैं, जिसे कॉन्टैक्ट लेस भी पेमेंट कहा जाता है। आप ATM लेके जाते थे POS मशीन पर, तब वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कर पाते थे, लेकिन टैप टू पे की मदद से आप यहाँ पर जब अपने फ़ोन को POS मशीन या किसी भी NFC पेमेंट पे लेके जाएंगे आप, तो सिर्फ फ़ोन को आप उसके नज़दीक रखना होगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट है पेटीएम की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उस रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ताकि हम ऐसे ही आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।